उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त होने के दावे कर रही है, मगर उन दावों की हकीकत क्या है वो जरा इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। खंडर नुमा ये तस्वीरें सिद्धार्थ नगर के विकास खंड जोगिया में जोगी बारी गाँव की है, जहाँ पिछले करीब 16 सालों से निर्माणाधीन ANM सेंटर अब खंडर में तब्दील हो चुका है। सिस्टम की लापरवाही देखिए कि ये खंडर आज भी कागजों में संचालित हो रहा है। बिना छत और दरवाजे के निर्माणाधीन ANM सेंटर में एक ANM भी कार्यरत है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जिस ANM की ड्यूटी है वो कभी कभार ही यहाँ आती है और गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर बैठकर चली जाती है। पदा और कौन सा गाँव है मामला? मेरा नाम नितेश सिंह है, मैं जोगी बारी का ग्राम प्रधान हूँ। मामला ये है सर कि ये ANM सेंटर है, आज 20 साल से ऐसे खंडहर पड़ा हुआ है। इस पे ना कोई कार्रवाई हो पा रहा है ना ये बन पा रहा है। अधिकारी लोग के संज्ञान में है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ कोई तैनात भी है? हाँ, एक तैनात है लेकिन वो आती नहीं है क्योंकि भाई यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 15 साल से ज्यादा समय हो चुका है, मगर इस ANM सेंटर के निर्माण को लेकर प्रशासनिक अधिकारी मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक उपचार के लिए यहां से लोगों को करीब 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामला ये हमारे यहाँ ANM सेंटर बना हुआ था, लगभग ये 12-15 सालों से पड़ा हुआ है और इस पे कई बार संबंधित अधिकारियों से भी कहा गया कि इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, इसको अधूरे में छोड़ के चले गए और उस समय के जो प्रधान थे या जो आंगनबाड़ी थे या जो भी विभाग संबंधित विभाग ने इसको अभी तक चेत नहीं लिया। कई बार इस मामले में ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर इसकी शिकायत हुई लेकिन ये स्वास्थ्य सेवा एकदम बदहाल हमारे यहाँ है, क्योंकि इसका निर्माण हो जाता तो यहाँ जो भी सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही है उसका सुचारू रूप से यहाँ संचालन होता। अब चूंकि यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है तो जो यहाँ कर्मचारी तैनात है वो इधर उधर भटकती हैं, तो इसलिए ग्रामीण बहुत परेशान होते हैं। और कभी मान लीजिए कोई गांव में बीमार होता है या गर्भवती महिला है उसको अस्पताल ले जाना हुआ तो प्राथमिक उपचार यहां नहीं हो पाता है और ब्लॉक यहां से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है। शोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत इस ANM सेंटर के नाम से जमीन भी स्वास्थ्य विभाग को मिली है, मगर इसके बावजूद यहां ANM सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहा है। तो वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी ने मामले की जांच करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑफिस में भी मैंने कल जो उपलब्ध रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में ढूंढवाया था तो यहाँ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इसमें NHM से डायरेक्ट खाता में उनके ANM और प्रधान के खाते में पैसा जाता था, वहीं से वो लोग अपनी किसी को भी टेंडर देते थे, ठेका देते थे, जो भी देते थे वही दोनों लोग उसके लिए उत्तराधिकारी होते थे, वही लोग अपना निर्णय लेते थे। उसमें ब्लॉक का जो थोड़ा सा रोल होता था कि वो बजट किस्तों में रिलीज करता था, जैसे बनता जाता था उसके हिसाब से किस्तों में रिलीज करता था। अब लेकिन ये एक चीज मुझे पता लगी है कि मतलब आज पता लगी है कि ये सेंटर हैंडओवर हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग ने हैंडओवर इसका ले लिया है, ठीक है, 2008 या 2009 में तत्कालीन CMO के द्वारा लिया गया है। मतलब सिर्फ अभी मौखिक पता लगा है, इस पर मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो इसके बारे में आप जांच करवाऊंगा। इसके बारे में अभी जो रिकॉर्ड यहाँ है ब्लॉक पे है और जो ANM और प्रधान वाला खाता था उस समय का, उन सबकी जांच करनी पड़ेगी क्योंकि लंबी काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है। आप भी सोचते 2008-09 से आज 15-16 साल तो हो ही गए हैं, तो कितना रिकॉर्ड मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, वो ANM किसको कितनी अच्छी तरह रखा है, वो ANM आज की डेट में है भी यहाँ की नहीं है, ये चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं, तो इस पर जाँच कराने के बाद ही मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर जांच के बाद भी अगर कोई भी अनियमितता मिलेगी तो फिर उस पर सख्त से कार्रवाई के लिए तो शासन को जरूर लिखूंगा, चाहे वो ANM के प्रधान के स्तर से हुई हो, चाहे वो MIC के स्तर से हुई हो, चाहे हमारा उसमें जो भी वेरिफिकेशन अधिकारी जूनियर इंजीनियर हमारे यहाँ का हो या बस्ती का रहा हो मंडल का रहा हो उसके वेरिफिकेशन के जिसने भी किया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लिखूंगा। कागजों में चल रहे इस ANM सेंटर की जानकारी विभाग को तो है लेकिन वो भी अनजान बनकर सरकारी धन का बंदर बांट कर रहे हैं। बहरहाल मीडिया में मामला सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच की बात कही है। अब देखना होगा कि जल्द इस पूरे घोटाले की जांच होती है या ये फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। पंजाब केसरी TV के लिए सिद्धार्थ नगर से राशिद फारूखी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।